देर किरण, बहुत स्वागत है आपका मिशन परिवार में। आजकल हम लोग मैथमेटिक्स को शुरू से पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम चल रहा है। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए कुछ नई बात पर चर्चा करते हैं। आज क्या नई बात पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ेंगे वर्ग वर्गमूल, और टॉपिक का नाम है घन घनमूल। दोनों वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, तो पहले यहीं से शुरू करते हैं। तो इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि बहुत तरह की संख्याओं का कैलकुलेशन हमको मौखिक याद हो जाएगा, और इसके अलावा जब हम सिंपलीफिकेशन पढ़ेंगे तो हमारा ये टॉपिक और इजी होने लगेगा। तो इसको खूब अच्छे से पढ़िए, इसमें संख्याओं को बहुत अच्छे ढंग से कैलकुलेट करना आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले तो वर्ग क्या होता है, वर्ग की एक डेफिनेशन लिखता हूँ। वर्ग की डेफिनेशन बता रहा हूँ, दी गई संख्या में जिस संख्या नहीं ये नहीं थी किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम कोई संख्या ले लें 5 और 5 का गुणा 5 से करें तो जो उत्तर 25 आता है, यह 25 क्या है, यह वर्ग है। किसका वर्ग है, इसी 5 का। ये 25 क्या है, इसका वर्ग है, और ये क्या है, इसका वर्गमूल है। वर्ग और वर्गमूल का कॉन्सेप्ट समझिए, 25 जो है 5 का वर्ग है, और 5 25 का क्या है, जैसे कोई हमारा चाचा तो मैं उसका भतीजा हूँ, इसका ये वर्ग है तो ये इसका वर्गमूल है, बस यही कहानी। तो इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं आगे तो हम कहते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति को यानी स्वस्थ विद्यार्थी को कम से कम 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए। बाकी ज़्यादा याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 30 का तो याद ही होना चाहिए। तो 30 तक वर्ग याद होने के लिए, और 10 तक सबको याद भी है, 10 तक में किसी समस्या नहीं। 1 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36 7 7 4 8 8 64 9 9 81 10 100 इतना सबको याद है। अब 11 से बात शुरू करते हैं, और थोड़ा लिख भी दे तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256 और 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 26 हो गया, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। मतलब इतनी बातें तो आपको जबान पर याद होना ही चाहिए। अब अगर ये बात याद हो ही गई है तब आगे चलते हैं, एक और बात बताते हैं कि अगर आपको यह याद हो गया तो इसको लाभ क्यों होगा, क्यों हम बता रहे हैं कि इसको याद होना जरूरी है। अभी हाल ही में किसी क्लास में मैं मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहा था, तो मैंने वहाँ पे सवाल बोला कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, एक का नाम है 20, एक का नाम है 21, एक का नाम है 29। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं,
20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर तथा 29 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल बता दो। इसको बोलने के बाद मैं क्लास में टहल रहा था तो मैंने पाया कि लगभग सभी लड़के हीरोज फार्मूला लगा रहे थे, यस फार्मूला। आप जानते हैं अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप हीरोज फार्मूला लगाते हैं तो वह सामान्य से थोड़ा समय अधिक लेता है कि नहीं, तो आप समय लेता। जबकि अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप पहले चेक कर लीजिए, 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441, दोनों जोड़ोगे 841, और 29 का स्क्वायर भी 841। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम हुआ, समकोण त्रिभुज हो गया। अगर समकोण त्रिभुज हो गया तो 29 से कोई मतलब ही नहीं रहा। अब 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 करेंगे तो 10 बन जाएगा, 21 धार में 210। आपको बताइए किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर ये हैं तो उसका क्षेत्रफल 210 होगा। मैंने बिना कुछ लगाए मौखिक कर लिया, ये तभी हो पाया जब हमको स्क्वायर याद था। नहीं याद होता हम भी ये फार्मूला लगा रहे होते। आइए आगे बढ़ते हैं। हम अभी हाल ही में यानी आने वाले 10-15 मिनट के अंदर आपको ढेर सारे वर्ग याद कराने वाले। 30 तक तो आप याद ही कर लिए मैं मान लेता हूँ, अब 30 के बाद के सारे स्क्वायर मैं याद करा रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एक करके बातें देखते जाइए हम क्या कर रहे हैं। पहले तो हम उन संख्याओं पर बात कर रहे हैं जिनका इकाई अंक 5 है। ऐसी सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 है उनका वर्ग करना बेहद आसान होता है। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमको 15 × 15 करना हो, 25 × 25 करना है, 35 × 35 करना है, 45 × 45 करना है, 55 × 55 करना है, ये सब गुणा ही हो रहा है। वर्ग का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है। वर्ग का मतलब गुणा ही होता है। ऐसे ही 65 × 65 करना है, 75 × 75 करना है, 85 × 85 करना है, 95 × 95 करना है, 105 × 105 करना है, 115 × 115 करना है, 125 × 125 करना है। यहाँ तक हम आपको तुरंत बताने जा रहे हैं कितना जल्दी से आप इनका उत्तर निकाल पाएंगे। देखिए गुणा करने का तरीका क्या होगा, पहले आपको 5 × 25 पूरा लिखना है, कोई हासिल नहीं लगाना, और फिर इस एक में अपनी तरफ से एक मिलाना है, 2 बन जाएगा, 2 × 1 = 2, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए 5 × 25 पूरा है, इसमें एक मिलाइए, 3 × 2 = 6, केवल एक ही मिलाना ध्यान रखिएगा, हर बार केवल एक मिलाना है बस। 5 × 25 और 4 × 3 = 12, 5 × 25 5 × 20, 5 × 25 6 × 25 30, 5 × 25 7 × 6 = 42, 5 × 25 7 × 8 = 56, 5 × 25 9 × 8 = 72, 5 × 25 10 × 9 = 90, 5 × 25 11 × 9 = 110, 5 × 25 12 × 11 = 132, 5 × 25 13 × 12 = 156। आप देख सकते हैं ऐसी सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 होता है उनका वर्ग करना कितना आसान हो गया, और जितनी संख्याओं का इकाई अंक 0 है वो तो क्या पूछना है। पहले हम 2 अंकों की संख्या ले रहे हैं, 1 से लेकर 100 तक मान लो हो रहा है, तो जितनी संख्याओं का अंत में 0 है, जैसे 50 का वर्ग, तो 50 का वर्ग करना है तो 5 का स्क्वायर करो 25, और 1 सिंगल 0 के लिए डबल 0 लगा दो। जैसे मान लो हमको 60 का वर्ग करना है तो हम क्या करें, पहले 6 × 36 और 0 के लिए डबल 0, बस आंसर आ गया। हमें 80 का स्क्वायर करना है, 8 × 64 और 0 के लिए डबल 0। आप देख रहे हैं 1 से लेकर 100 तक की गिनती में ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 था तथा ऐसी संख्याएं जिसका इकाई अंक 0 था, सबका वर्ग हम लोगों ने कर लिया। अब हमारे पास हर दशक में कुल 8 संख्याएं बची होंगी, जैसे मान लो 31, 32, 33, 34, उसके बाद 36, 37, 38, 47, 8 संख्याएं बची। आओ देखा जाए उन संख्याओं का वर्ग हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो पहले एक छोटा तरीका बताता हूँ आपको, जो होता है a+b का होल स्क्वायर। आओ देखा जाए ये क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर आपने फार्मूला पढ़ा होगा कक्षा 6 में, इसका मतलब होता है a² + b² + 2ab। लेकिन अगर इसको मानक रूप में लिखा जाए इसका मतलब होता है a²
प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमको यह देख करके पूरे दो अंकों के जितनी संख्याएं होती हैं उनका वर्ग हम इस आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली संख्याएं वही होती हैं, इसलिए इनको हम दो तरीके से बताएंगे। पहला तरीका आपके सामने, तो कुछ संख्याएं हम ले रहे हैं, हम मान लेते हैं कि वो आपको 30 तक याद ही हो गया होगा। अब उसके बाद लेते हैं, जैसे मान लो हमें 32 का स्क्वायर करना है, तो हम इसको ए समझ रहे हैं और इसको बी समझ रहे हैं। तीन जो है ए है और बी जो है दो है, तो पहले हम इधर से करेंगे क्योंकि हम गिनती लिख रहे हैं। तो पहले बी स्क्वायर करना है, दो स्क्वायर चार हो जाएगा। फिर हमें टू ए बी करना, ए बी करो पहले तीन दुना में छः और उसका दूना करो बारह, बारह में दो हासिल हुआ एक। फिर ए स्क्वायर करेंगे, तीन तीन नौ, नौ में एक मिला देंगे, आपका उत्तर होगा दस। ये आपका उत्तर बन गया। ऐसे आप बढ़ाते जाओ, 33 का स्क्वायर क्या है, 34 का स्क्वायर क्या है, 36 का स्क्वायर क्या है, 37 का स्क्वायर क्या है, 41 का स्क्वायर क्या है, 43 का स्क्वायर क्या है, 54 का स्क्वायर क्या है, देख रहे हो 55 का स्क्वायर तो हो ही चुका है कि नहीं, 55 ना करो भाई। 56 का स्क्वायर क्या है, 57 का स्क्वायर क्या है, 58 का स्क्वायर क्या है, 62 का स्क्वायर क्या है, 64 का स्क्वायर क्या है, 68 का स्क्वायर क्या है, 72 का स्क्वायर क्या है, 73 का स्क्वायर क्या है, हम सबका करते जा रहे हैं। देखो 81 का स्क्वायर क्या है, 83 का स्क्वायर क्या है, 92 का स्क्वायर क्या है, 94 का स्क्वायर क्या है, 99 का स्क्वायर क्या है। अगर इतना स्क्वायर आपको जल्दी जल्दी दिखा दे तो हमारे ख्याल से आपको एक से लेकर 100 तक का वर्ग करना बहुत आसान हो जाएगा। आओ देखते, पहले हम क्या करेंगे, 3 3 9, फिर 3 3 9 दूरी 18 में 8 हासिल एक, 3 3 9 एक 10 हो गया। यहाँ देखो 4 4 16 एक, 3 4 12 दूरी 24 एक 25 सात 2, 3 3 9 2 11, ये आपका आंसर आ चुका है। देखो 6 6 36 3, 3 6 18 दूरी 36 39 3, 3 3 9 3 12 हो गया। 7 7 49 4, देखो 7 7 49 हासिल हुआ 4, 7 1 दूरी 42 4 46 हासिल 4, 3 3 9 4 13 41 का वर्ग, एक एकम एक, 4 1 4 दूना 8 और 4 4 16 43 वर्ग करो, 3 3 9 4 3 12 दूनी 24 2, 4 4 16 दो 18, 4 4 16 1, 5 5 20 दूना 40 41 4, 5 5 25 4 29। हम इतना सारा वर्ग कर दिए, कोई भी रफ वर्ग कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको इन्हें कॉपी करना है, हमें कॉपी करना है, जिससे आप जल्दी कर पाओ। अगर आप पहले कर पा रहे हैं बहुत बहुत बधाई, नहीं कर पा रहे कोशिश करिए हमारे साथ। 6 6 36 3, 5 6 31 दूना 7 3 3 7 6, 5 5 25 6 31, 7 7 49 4, 5 7 35 दूना 70 4 74 7, 25 7 32 8 7 64 6, 5 6 40 दूना 80 6 86 8, 5 5 25 8 33 चलो 2 दूना में 4, 6 दूनी 12 दूनी 24 4, 2 6 6 36 दो 38, 4 6 16 1, 6 6 24 दो 48 49 4, 6 6 36 4 40 8 7 64 6, 6 6 48 दो 96 96 और 6 102 810 6 6 36 दो 46 2 दो 4, 7 दो 14 दो 28 2, 7 7 49 दो 51 3 3 9 7 7 21 दो 42 4, 749 453। देखिए कितने आसानी से हम इनका वर्ग करते जा रहे हैं, और फार्मूला केवल क्या है, ऊपर वाली संख्या। आप जब इतनी संख्या ऐसे लिख लेंगे, खुद से वर्ग करेंगे, देख लीजिएगा, जल्दी मिस्टेक नहीं होता। अगर हो गया तो मेरी गलती मानी जाएगी, गलती अपने आप में बहुत शुद्ध होती। और देखा जाए, 1 1 1 8 1 8 दूनी 16 6 1, 8 8 64 65 3 3 9 8 3 24 दूना 48 4, 8 6 64 4 68 2 दूना 4 9 दूनी 18 दूनी 36 3, 9 9 81 3 84 4 4 16 1, 9 6 36 दूना 72 73 7, 9 9 81 7 88 9 9 81 8, 9 9 81 दूना 162 8, 170 हासिल 17, 9 9 81 17 98। देखो भाई, हमने एक से लेकर 100 तक की संख्याओं के बीच में जितनी सारी संख्याएं आती हैं उसमें बहुत सारी संख्याओं को लेकर
बढ़ करके हमने दिखाया। उम्मीद है कि आपको यह बात जरूर समझ में आई होगी, आप जरूर अभ्यास करेंगे। लेकिन यह एक तरीका है और यह तरीका तीन अंकों पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि तीन अंकों की संख्या के लिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। अगर आपको फार्मूला याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, बहुत भारी हो जाएगा, करना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए उसको तरीके से ना किया जाए। अब क्या किया जाए? वैद्य गुणा सही रहेगा इसके लिए। अब वैद्य गुणा क्या होता है और देखा जाए, तो वैद्य गुणा हम पहले बताएंगे। इस वैद्य गुणा के लिए एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, पांच अंक, छह अंक, चाहे जितने अंकों का गुणा करना हो या वर्ग करना हो, बहुत आसान टास्क हो जाएगा। इसका उत्तर केवल एक लाइन में लिखा जाता है। बस एक बात के लिए गर्व भी होता है कि आज भी अगर हमको फास्टेस्ट मैथमेटिक्स चाहिए कैलकुलेशन वाली, तो हमको आज भी वैदिक सहारा लेना पड़ता। इतने हजार सालों में हम लोगों ने जो भी विकास किया हो, लेकिन अभी स्पीड पुरानी वाली नहीं पा पाए, है कि नहीं? होना चाहिए और ज्यादा। और देखा जाए, वैदिक गुणा समझने के लिए एक छोटा सा पैटर्न दिखा रहा हूं आपको। पैटर्न देखिए, अगर हम एक गुणा एक करते हैं तो हमें एक मिलता है, अगर हम 11 गुणे 11 करते हैं तो हमें 121 मिलता है, हमें 111 गुणे 111 करते हैं तो हमें 12321 मिलता है। यानी जितनी बार एक होगा हमारी गिनती उतनी बार तक ऊपर जाएगी, फिर नीचे उतर आएगी। आओ देखें, अगर ये चार बार है और गुणा चार बार है, ये बनेगा 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 गुणा 1 2 3 4 5 बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। कितना मजेदार है ना? एक पैटर्न में कभी गुणा करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 5 6 गुणा 1 2 3 4 5 6 बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। एक पैटर्न आपने देख लिया। अब इसी पैटर्न पर आधारित हमारा सवाल चलेगा। पहले हम गुणा दिखाते हैं आपको। गुणा देख लो आप, क्योंकि वर्ग भी एक गुणा ही है, इसलिए गुणा यहाँ पर देख लेंगे तो वर्ग करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। मान लीजिए हमको 54 का 23 से गुणा करना है, तो उत्तर, खास बात होती है वैदिक गणित में, उत्तर केवल एक लाइन में आता है। बस कभी भी दो लाइन का उत्तर नहीं आना है। आओ देखें, अगर दो अंकों का गुणा है तो हमें ये बात ध्यान में रखना होता है। कैसे? पहले एक अंक का गुणा होगा, फिर दो अंक का गुणा होगा, फिर एक अंक का गुणा होगा। यानी कुछ तीन स्टेप करने पड़ेंगे। और देखें, 4 3 12 हासिल 1, 5 3 15 और 8, 15 और 8 23, 1 24 में 4 हासिल 2, 5 2 10 2 12 हमारा उत्तर आ चुका। आप देख लीजिए कितना आसानी से गुणा हम लोग कर रहे हैं। और देखा जाए, 4 6 24 2 20 18, देखो 5 6 20 और 6 3 18, 20 18 38 2 40 7 4, 5 3 15 4 19 गुणा हो गया। तो अगर गुणा करना इतना आसान है तो वर्ग करना और भी आसान हो जाएगा। आओ देखते हैं, अगर हम वर्ग करेंगे और भी आसान हो जाएगा। जैसे मान लो हमें वर्ग करना है 53 का, 53 का वर्ग करने जा रहे हैं, तो 3 3 9 पहला स्टेप हो गया, फिर 15 15 30 में 0 हासिल, 3 5 25 3 28, हमें 61 का वर्ग करना है। देखो 1 1 1 और 6 6 12 में 2 हासिल, 6 6 36 37, देखो हमें 83 का वर्ग करना है, कोई समस्या नहीं, 3 3 9 8 3 24 24 48, 48 में 8 हासिल 4 और 8 6 64 4 68, देख रहे हो आप? किसी भी दो अंकों की संख्या का वर्ग करना आपके सामने कितना आसान हो गया। ये 84 का गुणा करता हूँ, 4 6 16 1, अब 64 देखो कितना, 32 32 32 32 64 1 65 हासिल 6, 8 6 64 और 6 70, दो अंकों का वर्ग करना अब आपके लिए चुटकी बजाने जैसा हो गया है। और 99 तक आपने देख लिया, और 100 का वर्ग आपको आता ही होगा। यकीन मान लीजिए जितना काम अभी हमने किया है 10 मिनट 15 मिनट में, इसी काम को आप अगर दो बार खाली कर दो तो 1 से लेकर 100 तक का वर्ग निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। सही है? तो अब चलो तीन अंक पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए तीन अंकों की कोई संख्या है और उसका हमें वर्ग करना है, तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे पहले यहाँ और देखेंगे कि अगर तीन अंकों का गुणा करना है तो हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। हमें फॉलो करना पड़ेगा पहले एक अंक, फिर दो अंक, फिर तीन अंक, फिर दो अंक, फिर एक अंक, कुल 5 स्टेप होने हैं।
और देखा जाए कुल पांच स्टेप में हम इसका जवाब कैसे दे पाएंगे। देखो पहला स्टेप एक एक क्रम एक, दूसरा स्टेप दो दो गिनतियां दो और दो चार, तीसरा स्टेप देखो कैसे होगा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, बीच का गुणा बीच से, तो तीन तीन छः चार दस में शून्य हासिल एक, और फिर दो अंक का छः छः बारह एक तेरह में तीन हासिल एक, तीन तीन नौ एक दस, आपका उत्तर आ चुका। देख लो जरा ध्यान से कैसे आराम से आप वर्ग कर पा रहे हैं। देखिए तीन अंकों की संख्या हम वर्ग कर रहे हैं, चार सौ के सोलह हासिल एक, बारह बारह चौबीस पच्चीस हासिल दो, देखो आठ आठ सोलह नौ पच्चीस दो सत्ताईस हासिल दो, छः छः बारह दो चौदह में चार हासिल एक, दो दूना चार एक पाँच, ये हमारा उत्तर। करिएगा कैलकुलेटर से दिल खुश हो जाएगा ना, संख्याओं को बड़ी तेजी के साथ में आपको वर्ग करना है। तीन अंकों की संख्या अब आपके लिए कोई समस्या नहीं रह गई है, बल्कि बहुत आसान लग रहा है। वर्ग करने जा रहे हैं, देखो छः छः छत्तीस तीन, तीस तीस साठ तीन तिरसठ हासिल छः, चौबीस चौबीस अड़तालीस और पच्चीस, अड़तालीस में पच्चीस मिलाएं तो अड़तालीस में पहले पाँच मिलाइए और तिरपन हो जाएगा, और तिरपन में फिर बीस मिला लीजिए तिहत्तर हो जाएगा। बोलो अड़तालीस, देखो छः चौक चौबीस चौबीस अड़तालीस और पच्चीस तिहत्तर आ गया, तिहत्तर में छः मिला दीजिए, तिहत्तर में छः मिला देंगे तो उनासी हो जाएगा, सेवेंटी नाइन आखिर सेवन हो जाएगा, और फिर देखो बीस बीस चालीस सात सैंतालीस आखिर चार, चार चौक सोलह चार अट्ठारह, सोलह चार बीस, ये आपका उत्तर हो। एक बार फिर से देख लें, छः छः छत्तीस हासिल तीन, और फिर कितना हुआ तीस और तीस साठ, साठ तीन तिरसठ हासिल छः, फिर छः चौक चौबीस चौबीस अड़तालीस और पच्चीस, अड़तालीस पच्चीस तिहत्तर, तिहत्तर और तीन तिहत्तर और छः उनहत्तर उन्यासी हासिल सेवन, और फिर बीस बीस चालीस सात सैंतालीस चार, और चार चौक सोलह चार बीस। देखो दो सौ सत्तावन का वर्ग कर रहा हूँ, सात सत्ते उनचास हासिल चार, पैंतीस 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 सत्तर चार चौहत्तर हासिल सात, चौदह चौदह अट्ठाईस और पच्चीस, अट्ठाईस और पच्चीस कितना होगा भैया तिरपन, तिरपन तिरपन में सात मिलाओ, तिरपन में सात मिलाओ साठ हासिल छः, दस दस बीस छः छब्बीस हासिल दो, दो दून चार दो छः, ये हमारा उत्तर आ गया। तो तीन अंकों की संख्याओं का वर्ग करना अब आपके लिए बेहद आसान हो गया। आओ चार अंक पर चर्चा करें। चार अंक पर चर्चा करने के लिए पहले हमें यहाँ जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हमें स्टेप कितना करना है। हमें टोटल स्टेप करना है एक दो तीन चार, फिर एक पाँच छः सात, टोटल सात स्टेप करने पड़ेंगे। और सातों स्टेप को देख लीजिए ध्यान से, बहुत सामान्य सी गिनती ले रहा हूँ। आओ देखा जाए चार अंकों का वर्ग करने आप जा रहे हैं। देखो वर्ग होने जा रहा है, चार सौ को सोलह एक, चार तीन बारह बारह चौबीस एक पच्चीस सात सौ दो, अब देखो तीन अंक लेना, चार चार आठ, आठ और नौ सत्रह, और सत्रह और दो उन्नीस, आपकी बार हासिल एक, तीन तीन अंक हो गया। अब चौथा देखो क्या होगा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, क्रॉस होता होना चाहिए, आठ आठ सोलह और तीन तीन छः, सोलह छः बाईस दो चौबीस में चार, सॉरी चौबीस नहीं है आपकी हासिल एक आया था, फिर से देखो आठ आठ सोलह और सोलह छः बाईस एक तेईस में तीन हासिल आया दो, अब तीन अंक लेना, छः छः बारह एक तेरह दो पंद्रह हासिल एक, अब देखो दो दो चार एक पाँच और दो दूना चार, ये आपका उत्तर। इक्कीस ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख पैंतालीस लाख तिरपन हजार नौ सौ छप्पन, ये आपका उत्तर आया। बड़ा आसान है। अच्छा जब आप पढ़ते रहिएगा तो आप मोबाइल से इसका उत्तर भी देख लीजिएगा, मैं चेक करके देख देता हूँ कि अगर हमें मिलता है इक्कीस चौंतीस का, इक्कीस चौंतीस का जब हम वर्ग करते हैं तो आपके पास उत्तर आता है फोर डबल फाइव थ्री नाइन फाइव सिक्स। ओके आप चेक कर लीजिएगा, सेम आंसर पाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं, दो चार तीन दो, दो चार तीन दो का मैं वर्ग करने जा रहा हूँ, तो दो दुना चार, तीन दुनी छः, तीन दुनी छः बारह, हासिल हुआ एक, देखो आठ आठ सोलह नौ पच्चीस, पच्चीस एक छब्बीस हासिल दो, अब देखो चार चार आठ और बारह चौबीस, बताओ चौबीस और आठ कितना हुआ बत्तीस, बत्तीस में दो मिलाओ चौंतीस हासिल हुआ तीन, अब तीन अंक लेना, तीन छः छः बारह, बारह सोलह अट्ठाईस,
अट्ठाईस तीन इक्कीस, आठ तीन, अब देखो दो दो अंक, चार दो आठ आठ सोलह, सोलह तीन उन्नीस, सात एक, दो दो चार एक पाँच, आपका उत्तर आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, उनसठ लाख चौदह हजार दो सौ छः सौ चौबीस। आप देख सकते हैं कि किसी संख्या का वर्ग करना कितना इजी टास्क होता है, होता है। अब चार अंक हो चुका है, पाँच अंक, छः अंक, सात अंक, ऐसे करते चले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जब सम संख्या में रही गिनती, जैसे मान लो चार है, तो डायगोनली जब हम करते हैं तो देखो इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा, फिर इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा, ये चौथे स्टेम पर ये लेना पड़ता है। और जब तीन रहेगा क्या पूछना, इधर इधर और फिर बीच में कर लेंगे, तो ये आपका चार अंकों तक की संख्या का आराम से वर्ग करना आपको आ गया। आ गया, कोई समस्या नहीं। तो आइए देखते हैं, जब ये आ गया तो अब हमें वर्गमूल निकालने के बारे में सोचना चाहिए। वर्ग हम निकालना जान गए हैं, अब वर्गमूल कैसे देखेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए आपको दो विधियां बताई जाएंगी किताबों में। देखो वर्गमूल निकालना, इसे दो विधि निकाला जा सकता है, एक का नाम है गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड, एक का नाम है भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लो हमने लिया 1296 का वर्गमूल बताएं, तो हम गुणनखंड विधि करने जा रहे हैं और देखें, तो दो से काट रहा हूँ, दो छके बारह, दो चौके आठ, दो अठे सोलह, फिर दो तीन छः, दो दो न चार, दो चौके आठ, फिर दो एक के दो, दो 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 छके बारह, दो दो न चार, फिर दो अठे सोलह, दो एक के दो। अब दो से कटना बंद हो गया, तीन से काटो, ये है सत्ताईस, ये है नौ, ये है तीन और ये है लास्ट में तीन। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका हमें दो दो अंकों का पेयर बन जा रहा है, ये बन जाएगा दो गुड़ा तीन गुड़ा तीन और आपका उत्तर आ जाएगा छत्तीस। यहाँ तक तो बात सही लगती है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसी संख्या ले लें जो बड़ी हो या फिर कोई प्राइम नंबर के बारे में सोचें, प्राइम नंबर का वर्ग लिख दें, तो फिर उनको खंड करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता, हो नहीं पाता, इसलिए भाग विधि का जन्म होता। आओ देखें भाग कैसे दिया जाता है। अगर इसी सवाल को हम भाग विधि लगाएं, 1296 है तो दो दो अंकों का पेयर बनाना पड़ेगा, अब पेयर बना के पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। पहला पहाड़ा पर वर्ग के आधार पर होगा, एक वर्ग का क्या होता है, एक एक में दो दूना चार, तीन तीन नौ, चाचों के सोलह, चाचों को सोलह ज्यादा हो जाएगा, बारह ही है तो हमें तीन बार जाना चाहिए, तीन छियानवे नौ। अब यहाँ देखो तीन उतर गया नीचे और ये पूरा छियानवे आएगा एक साथ, और ये तीन यहाँ जोड़ करके छः बन जाएगा, ये प्लस होता। अब छः का साधारण पहाड़ पर हो उनतालीस हो जाए, छः चंग छत्तीस, छः बार जा सकते हैं, छः चंग छत्तीस, छः चंग छत्तीस तीन उनतालीस, और ये रहा आपका उत्तर छत्तीस आ गया। तो भाग विधि जो करता है वो बहुत सवालों को कर सकता है, बहुत तेजी से कर सकता है। हम कुछ उदाहरण भाग विधि के लेते हैं और उसमें क्या करेंगे, दो अंक का ले लेंगे, तीन अंक का ले लेंगे, चार अंक का ले लेंगे, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर से उन संख्याओं को लिखने की कोशिश करते हैं। आओ देखा जाए, आपके लिए पहले दो अंकों की संख्या लेता हूं, ये आएगा तिहत्तर छियानवे, ऐसे कर दे रहा हूं। फिर देखिए बासठ इकतालीस, फिर देखिए तीन अंक की संख्या ले रहा हूं, सात सौ पचपन, एक सौ इकसठ, अगला है सात सौ सत्ताईस, छह सौ नौ। अब ये तीन अंकों का था, अब चलो चार अंक की संख्या लेता हूं, तेरह सड़सठ, बावन जीरो चार, और दूसरा लेता हूं अड़तालीस आठ सौ अठारह, एक सौ उनहत्तर। यकीन मान लीजिए अगर इतनी संख्याओं का वर्ग करना आपको आ गया, वर्गमूल निकालना, और वो भी भाग विधि से, तब आपको भाग विधि कोई हरा नहीं पाएगा। और पहला सवाल लेते हैं, तिहत्तर छियानवे है, हम मिटाते रहेंगे, तो तिहत्तर छियानवे है, हम ऐसे पेयर बनाए और पहाड़ा पढ़ेंगे। तिहत्तर में क्या पढ़ा जाएगा, आठ अठाएँ चौंसठ, नौ नौ इक्यासी ज़्यादा हो जाएगा, हम आठ अठाएँ चौंसठ जा रहे हैं, तेरह में से चार घटाए नौ, और ये पूरा छियानवे आ गया, भाई आठ जुड़ करके यहाँ सोलह बन गया। सोलह कैसा पहाड़ पड़े, सोलह पचासी, सोलह छक्का छियानवे, छः बार जाएगा तो छः यहाँ लिख देंगे, छः छत्तीस, अब पूरा नौ सौ छियानवे कट गया,
हमारा उत्तर आ गया 86, यानी इसके बदले हम लिख सकते हैं 86। दूसरा सवाल देखिए, 62-41, 62-41 है तो हम क्या करेंगे, पहले हम 62 में पढ़ेंगे, 8 का उत्तर जाएगा नहीं तो 7-49 जाएगा, 12 में से 9 गया 3 और 5 में 4 गया 1, अब 13-47 बचा और 7 यहाँ जोड़ करके 14 हो जाए। 14 कैसा पढ़ा, पढ़िए 14 9 126, 9 बार जाइए तो 9 9 81 हासिल हुआ 8, 14 9 126 8 134 और हमारे पास उत्तर आ गया है 79। इन दोनों का उत्तर हमारा आ चुका है, आप देख लीजिए कैसे लगाया जा रहा है, कितने आसानी से उत्तर हो सकता है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें, इसको हटा दे रहा हूँ। अगला है 3 अंकों की संख्या है 75-51-61, 75-51-61, दो दो अंकों का जोड़ा बनेगा हमेशा, भाग विधि वर्गमूल में हमेशा दो दो अंकों का जोड़ा बनता है। अब हम 75 के लिए पढ़ा पड़ेंगे 8 64, 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा 8 64, अब 5 में 4 गया 1, 7 में 6 गया 1 और ये पूरा 51 आ जाएगा तो 8 यहाँ जाकर 16 हो जाएगा। अब 16 का हिसाब पढ़ा पड़ोगे 115 हो जाए, तो 16 7 112, 7 7 49 4, 112 4 116 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 7 नहीं जा सकते 6 वाले जाओ तो 6 6 36 3 और 16 6 96 और 3 99, आओ घटाया जाए, 11 में से 6 गया 5, 14 में से 9 गया 5, अब यहाँ कुछ नहीं बचा 10, 10 में से 9 घटाएं 1, अब ये पूरा 61 आ जाएगा और ये 6 यहाँ जुड़ेगा 6 6 12, ये हो जाएगा 17, 17 9 153, 9 बार देखो, अगर हम 9 बार ले जाएं तो 9 9 81 हासिल 8, 9 2 18 8 26 हासिल 2 और 17 9 153 और 2 155, हमारा उत्तर बन चुका है 869, इसका उत्तर हो चुका है 869। आप देखते चलिए, कहीं कोई समस्या हो जरूर मैसेज करिएगा, मजा आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, इनको आप पॉज कर देंगे तो रुका रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं है, हमें मिटाना पड़ता है। 72 76 09, हमें दिया गया 72 76 09, हमें इसका वर्गमूल निकालना है, हम क्या करेंगे, 8 8 64, 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार ले जा रहा हूँ, 8 8 64, 12 में 4 घटाएंगे 8, ये 76 आ जाएगा नीचे, 8 8 जुड़ के 16 हो जाएगा, 16 85 80, 5 बार जाओ, 5 5 25 2, 16 85 80 2 82, 6 में से 5 घटाओ 1, 7 में से 2 घटाओ 5 और यहाँ आ गया 09, और ये 5 यहाँ जुड़ करके हो जाएगा 170, 17 3 51, 3 बार जा सकते हो आप, 3 बार जाओगे 3 3 9 और 0 17 3 51, पूरा कट गया 853 उत्तर आया, कितना आया 853। तो आप देख सकते हैं 3 3 अंकों वाले भी सभी सवालों का उत्तर बहुत आसानी से आपने लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला है 4 अंकों की संख्या है 13 67 52 04, 13 67 52 04, हमें वर्गमूल निकालना है, कैसे निकाला जा रहा आप ध्यान से देखते जाइए। अगर हम पहाड़ा पढ़ें 4 13 के लिए 3 3 9 होगा, 4 4 16 जाएगा नहीं तो हम 3 3 9 ले जा रहे हैं, अब यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6 7 और 3 जोड़ करके यहाँ बन जाएगा 6 6 7 42, 7 बार जाए 7 7 49, 4 7 42 4 46 नहीं जाएगा, 7 बार, 6 बार जाओ 6 6 36, 6 6 36 3 39, 7 में 6 घटाओ 1, 16 में 9 हो गया 7, कुछ ज़्यादा हो गया, देखो अगर हम 7 बार जाए 71 कहे से बचेगा, 7 बार ले जाते तो क्या होता, और एक बार जो देख ले, अगर हम 7 बार जाते तो क्या होता, देखो 7 बार जाते 7 7 49 हासिल 4, 7 6 42 4 46 नहीं जा रहा तो 6 ही बार जाएगा भाई, सही 6 बार ही जाइए, देखो 6 गया 6 6 36 और 6 6 36 और 3 39, 7 में 6 गया 1, 16 में 9 गया 7, अब यहाँ क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा, अगर 52 आ गया क्या बनेगा, अब आपके पास 6 यहाँ जुड़ गया 6 6 12, 72 हो गया, 7 9 63, 9 बार जाएगा, चेक करें 9 बार देखो, 9 9 81 8,
नौ दिन 18, 26, 2, 9, 7, 63, 2, 65 आओ देखा जाए, 2 में से 1 घटाए, 15 में 6 गया 9, 10 में से 5 गया 5, और ये आ गया 0, 4। अब ये 9 यहाँ जुड़ करके 9, 9, 18, ये आ गया 73। 7 का पारा पढ़िए कि 59 हो जाए, 7, 8, 56, 8 ले जाओ, 8, 8 में 64, 8, 6, 64, 6, 70, 7, 8, 3, 24 और 7, 31, 7, 3, 8, 7, 56, 3, 59, और पूरी संख्या कट गई आपकी 36, 98 आपका आंसर आया। कितना आया? 36, 98, ये आपका उत्तर आ चुका है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। ये जितने अभ्यास वाले काम दे रहा हूँ आज की ही डेट में, इस सबका अभ्यास हो जाना चाहिए। रोज का रोज करते रहेंगे तो बोझ नहीं बनेगा। हम इसमें अपने आखिरी सवाल में चल रहे, 48, 81, 81, 69, 48, 81, 81 और 69। हमें इसका वर्गमूल निकालना है, 4 पदों की संख्या है। अब बताओ 48 में क्या पढ़ा जाएगा? 6, 6, 36, 7, 7, 49 ज्यादा हो जाएगा, 6, 6, 36 ले जा रहा हूं। 8 में 6 गया 2, ये 12 आया, और ये रहा 81, और ये 6 जुड़ करके यहाँ 12 हो गया। 12 का पारा पढ़िए, 128 हो जाए, 12, 9, 8, 2, 8, 9 बार ले जा सकते हैं, 9, 9, 81, हासिल हुआ 8, 12, 9, 8, और 8, 116। यहाँ 0 आया, 10, 8 में 6 गया 2, 2 में से गया 1, आपकी बार 81 भी आ रहा, और 9 यहाँ जुड़ करके 9, 9, 18, 138 हो जाए। 13 का पारा पढ़ो, 13, 9, 117, 9 बार जा सकते हैं, 9, 9, 81, 8, 9, 72, 88, 8, और 13, 9, 117, और 8, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 8 वाले जाओ, 8 वाले जाइए, 8, 8, 64, 6, 8, 8, 64, 6, 70, 8, 7, 8, 8, 24 और 7, 35, 3, 8, 8, 3, 11, ये जाइए, सही है। 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचेगा 7, 10 में से 3 गया 7, वाह क्या गिनती आई। अब ये जोड़ करके यहाँ 8, 8, 16, 1, 8, 1, 9 और 13 हो जाएगा। 13 पढ़ा पढ़ो, 77 के लिए, 13, 4, 52, 13, 5, 65, 13, 7, 91, नहीं हुआ, 13 पढ़ा पढ़ना है, और 13, 5, 65, 5 बार ले जाएंगे कटेगा नहीं, 7, 7, 49 जा सकता है, लेकिन 13, 7, 91 हो जाएगा। एक बार मुझे सवाल को फिर से देखना पड़ेगा, 48, 81, 81, 69, मैंने किया 6, 6, 36, देखा जाए 8 में 6 घटाए 2, 4 में 3 घटाए 1, 81 आ गया, फिर 6, 6, 12 हुआ, 9 बार ले गए, 9, 9, 81, 8, 9, 2, 18, 8, 26, 2, 9 के 9, 2, 11, एकदम सही, 0, 8 में 6 गया 2, 2 में 6 गया 1, बहुत सही, 81 आ गया। अब ये जुड़ करके 9, 9, 18, 1, 12, 1, 13 हुआ, 8 बार ले गए, 8, 8, 64, 6, 8, 8, 64 और 6, 70, 7, 8, 8, 24 और 7, 24 और 7, हाँ यहाँ गलती हो रही है, देखो यहाँ पे गलती हो रही है, एक बार फिर से देखिए, गलती होती नहीं आमतौर पर, लेकिन कभी कभी हो भी जाती है, जब आप इतने सवाल कर रहे होते हैं तो कभी कभी, देखो 8, 8, 64, 6, 8, 8, 64, 6, 70, 8, 7, 8, 8, 24 और 7, 31 होता, 8, 3, 8, 8, 24, 8, 8, 8 और 3, 11, अब 11 में से 4 गया 7, यहाँ 7, यहाँ बचेगा क्या, 10 में से 1 गया 9, अभी आ गया 69, अब 8 जोड़ोगे, 8, 8, 16 हाथ से ले, और ये हो गया 1396, अब 13, 7, 91 आराम से चला जाएगा, 7, 7, 49, इकाई अंक मैच हो गया, उत्तर आना ही है 6, 9, 8, 7, आपका उत्तर आया 6, 8, 6, 9, 8, 7। आपने देखा आज क्या क्या हम लोगों ने कर लिया, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को वर्ग करना बहुत आसान हो गया है, यहाँ तक कि 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक की तरह संख्याओं का वर्ग करना बेहद आसान हो गया, और 1 से लेकर 4 तक की सभी अगर संख्याओं का वर्ग दिया हो तो उसका वर्गमूल निकालना भी अब आपके लिए बेहद आसान हो गया। आज की क्लास को थोड़ा अभ्यास के साथ पढ़िएगा, मिलेंगे अगले साल अगले सवाल के सवालों के साथ, और कुछ और कैलकुलेशन पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।